बहुत समय पहले की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक रूही नाम की बकरी अपने 7 छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। वो अपने 7 बच्चों से बहुत प्यार करती और उन्हें बड़े लाड़ प्यार से रखती और उनका अच्छे से ध्यान रखती। रूही बकरी को खाना लाने अक्सर घर से बाहर जाना पड़ता था, तब वो अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में ही अकेले छोड़ कर चली जाती। एक दिन जब रूही बकरी को खाना लेने बाहर जाना होता है तो रूही बकरी अपने 7 बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम लोगों के लिए खाना लेने बाहर जाना है। सब ध्यान से रहना, क्योंकि मैंने सुना है इस जंगल में एक भेड़िया घूम रहा है, वो बड़ा ही खतरनाक है। अगर उसने तुम सबको देख लिया तो वो सबको खा जाएगा, और वो बड़ा शातिर है, वो किसी के भी रूप में आ सकता है। उसकी आवाज़ बड़ी ही बेसुरी है और उसके पैर भी बहुत काले हैं। तुम सब अपना ध्यान रखना। ठीक है अम्मी, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे और हम सब अपना ध्यान भी रखेंगे, पर हमें कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मेरे बच्चों, जब मैं दरवाजे पर आ जाऊंगी तब मैं गाना गाऊंगी, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों दरवाजा खोलो, तुम्हारी अम्मी आई है, तुम्हारी अम्मी आई है, मजेदार खाना लाई है। रूही बकरी और उसके 7 बच्चों की बातें भेड़िया पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहा होता है। क्या बात है, अगर ये 7 बच्चे मुझे खाने के लिए मिल जाएं तो मजा ही आ जाएगा। फिर रूही बकरी कर बाहर खाना लेने चली जाती है, दरवाजे पर आता है और गुनगुनाना शुरू कर देता है, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों दरवाजा खोलो, तुम्हारी अम्मी आई हैं और खाना मजेदार लाई। गब्बर भेड़िए की आवाज़ सुनकर रूही बकरी के 7 बच्चे कहने लगते हैं, अरे अम्मी आ गईं और वो हमारे लिए खाना लाई हैं। तभी एक सबसे छोटा बच्चा अपने भाई बहनों से कहता है, रुको, माँ इतनी जल्दी कैसे आ सकती हैं? ये आवाज़ तो हमारी अम्मी की नहीं हो सकती, हमारी अम्मी तो कितना मीठा गाती हैं और ये आवाज़ तो कितनी कड़वी और बेसुरीली है। हाँ तुम सही कह रहे हो, ये हमारी अम्मी नहीं हो सकती, तुम सही कह रहे हो, ये आवाज़ हमारी अम्मी की नहीं हो सकती, हमारी अम्मी तो बहुत ही मीठा गाती हैं। बाहर खड़ा गब्बर भेड़िया हैरान हो जाता है और बच्चों से कहता है, नहीं मेरे बच्चों, मैं ही तुम्हारी अम्मी हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए खाने में क्या क्या लाई हूँ। नहीं, तुम हमारी अम्मी नहीं हो सकती। फिर सभी रूही बकरी के 7 बच्चे उस गब्बर भेड़िया से कहते हैं, तुम जो भी हो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारी अम्मी नहीं हो सकती, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत ही कड़वी है और गधे के जैसी बेसुरी, तुम हमारी अम्मी नहीं हो सकती। ये कहकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सुनकर गब्बर भेड़िया अपने दांत पीस कर रह जाता है। ये बच्चे हैं या शैतान, उन्होंने मुझे पहचान ही लिया, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा जिससे ये सभी बच्चे मुझे अपनी अम्मी मान लें और दरवाजा खोल दें। फिर वो भेड़िया वहाँ से चला जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी आवाज मीठी हो जाए और सुरीली भी। हाँ, शहद पीने से मेरी आवाज मीठी और सुरीली हो जाएगी। गब्बर भेड़िया को लगा था कि शहद पीने से उसकी आवाज बकरी जैसी मीठी और सुरीली हो जाएगी, और फिर वो मधुमक्खी का छत्ता ढूंढकर उसमें से शहद निकालकर पी जाता है। उसे लगता है कि शायद शहद पीने से उसकी आवाज बकरी जैसी मीठी हो जाएगी, और फिर वो रूही बकरी के घर का दरवाजा खटखटाता है और गाना गाने लगता है। वो कौन सा गाना था? अरे हाँ, याद आया, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों दरवाजा खोलो, तुम्हारी अम्मी है आई और तुम्हारे लिए खाना लाई। गब्बर भेड़िए की आवाज़ सुनकर रूही बकरी के बच्चे कहने लगते हैं, अरे लगता है अम्मी आ गई, दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं माँ क्या लाई। तभी रूही बकरी का छोटा बच्चा कहता है, रुको, ये हमारी अम्मी नहीं हो सकती, पहले मुझे तसल्ली करने दो, ये हमारी अम्मी है भी या नहीं। तुम हमारी अम्मी नहीं हो सकती, तुम्हारे पैर तो काले कलूटे हैं और हमारी माँ के पैर सफेद, चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी अम्मी नहीं हो। ये सुनकर भेड़िया गुस्से से लाल हो जाता है, अरे ये बच्चे हैं या आफत, इन्हें पता चल ही जाता है कि मैं कौन हूँ। फिर गब्बर भेड़िया गाँव में जाकर एक किराने की दुकान पर चुपके से आटे की बोरी में पैर डालकर अपने पैरों को सफेद कर लेता है, जिससे उसके पैर बिल्कुल बकरी की तरह सफेद हो जाते हैं। अब देखता हूँ कि ये बच्चे दरवाजा कैसे नहीं खोलते।
फिर वो भेड़िया रूही बकरी के घर के बाहर जाकर फिर से गाना शुरू कर देता है। नन्हे मुन्ने बच्चों दरवाजा खोलो, तुम्हारी अम्मी आई और खाना मजेदार लाई। गब्बर भेड़िए की आवाज़ सुनकर रूही बकरी के बच्चे कहने लगते हैं, इस बार तो पक्का अम्मी आई होंगी। हाँ अम्मी है, इसकी आवाज मीठी भी है। फिर एक बच्चा दरवाजे से झाँक कर देखता है तो उसके पैर भी सफेद दिखाई देते हैं, जिससे वो अपने भाई बहनों से कहता है, हाँ इस बार अम्मी है और इसके पैर भी सफेद हैं, हमारी अम्मी जैसे। तभी सबसे छोटा बच्चा अपने भाई बहनों से कहता है, रुको, नहीं नहीं, ये हमारी अम्मी नहीं हो सकती, हमारी अम्मी इतनी जल्दी नहीं आ सकती। लेकिन उसके भाई बहन अपने छोटे भाई की बात नहीं मानते और दरवाजा खोल देते हैं। और दरवाजा खोलते ही गब्बर भेड़िया जोर से चीखता है, बाबा भेड़िया। हाँ मैं, नन्हे मुन्ने बच्चों दरवाजा खोलो, अम्मी तुम्हें खाना देने नहीं, तुम्हें खाने आई है। ये कहते हुए भेड़िया जोर जोर से हंसने लगता है। उसे देखकर सभी बच्चे बुरी तरह से डर गए और सारे बच्चे इधर उधर छुपने के लिए भागने लगे। अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे, मैं तुम्हें ढूंढी लूंगा। फिर वो भेड़िया एक एक करके सभी बच्चों को ढूंढ लेता है और बच्चों को पकड़ कर बोरी में भरकर अपने कंधे पर खुशी खुशी लाद कर गाना गाते हुए चला। भेड़िए की नजर से बचकर सबसे छोटा बच्चा, जो भूसे के ढेर में था। तभी रूही बकरी जब दरवाजे पर आती है तो वो घर का हाल देखकर घबरा जाती है। अपनी अम्मी की आवाज को पहचान कर भूसे के ढेर में छुपा हुआ बच्चा निकल कर बाहर आता है और अपनी अम्मी से लिपट कर रोने लगता है। अम्मी, वो भेड़िया सबको उठा कर ले गया। छोटू, तुम्हारे सभी भाई बहन कहाँ हैं? फिर छोटे बच्चे ने सारी बात अपनी अम्मी को बताई। जब रूही बकरी ये बात सुनती है तो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। उस भेड़िए की इतनी जरूरत, वो मेरे बच्चों को उठा कर ले गया। चलो मेरे साथ उस बदमाश भेड़िए को जाकर ढूंढते हैं। उधर भेड़िया जल्दी जल्दी चले जा रहा था और वो थक जाता है और सोचने लगता है, कुछ देर बैठ कर आराम कर लेता हूँ, वैसे भी बच्चे बोरी में बंधे हैं, भाग कर कहाँ जा सकते हैं। फिर वो भेड़िया पेड़ के नीचे बोरी को रख कर सो जाता है। रूही बकरी अपने बच्चों को ढूंढते हुए जा रही थी, तभी उसे भेड़िए के खर्राटे की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो पेड़ के नीचे रखी बोरी को देखती है जो हिल रही थी। उसे देखकर उसकी जान में जान आती है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्ची सही सलामत है। फिर रूही बकरी चुपचाप जाकर बोरी का मुँह खोल देती है, जिससे सारे बकरे बाहर आ जाते हैं। फिर सबसे छोटा बकरा एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और बोरी में डालने लगता है। उसे देखकर बाकी के बच्चे भी पत्थरों को बोरी में डालकर भर देते हैं। फिर रूही बकरी चुपके से बोरी का मुंह बांधकर अपने बच्चों के साथ छुपकर नजारा देखने लगती है। तभी कुछ देर बाद भेड़िए की नींद खुलती है। सोते हुए बड़ी देर हो गई, अब घर चलता हूँ, दावत खाता हूँ, आज तो मजा ही आ जाएगा। भेड़िया बोरी कंधे पर रखकर चले जा रहा था और मन में सोचने लगता है, या अल्लाह, ये बोरी इतनी भारी कैसे हो गई? फिर भेड़िया मन में सोचता है, अब साथ साथ बच्चे हैं तो भारी होगी ही ना, और फिर इन नन्हे बच्चों को खाने में भी तो उतना ही मजा आएगा। फिर भेड़िया बोरी को लेकर नदी पार करने लगता है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नदी में गिर जाता है।